हेलो फ्रेंड्स, आज की मेकअप ट्यूटोरियल पे आप सबको स्वागत है। आज मैं मेरी मॉडल को देवदास मूवी का पाड़ो जैसा लुक देने की कोशिश किया हूँ। इसे एक रिसेप्शन लुक भी कह सकते हो। वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का मेरी ये प्रयास आप सबको कैसा लगा। मेकअप स्टार्ट करने से पहले फेस को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। मेरी मॉडल की नॉर्मल स्किन है। आज मैं रिक्विल का ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ। ये मॉइस्चराइजर नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है। मेरी मॉडल की नॉर्मल स्किन है और मीडियम टू फेयर स्किन टोन है और येलो अंडरटोन की है। सभी सीजन पे आपको मॉइस्चराइजर जरूर लगाना है अकॉर्डिंग टू स्किन। जहाँ पे मैं फाउंडेशन अप्लाई करूँगी उस जगह पे मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ। मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए और फेस का ऑयल कंट्रोल करने के लिए मैं पैक ऑयल कंट्रोल प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। प्राइमर लगाने से स्किन बहुत स्मूथ होता है और मेकअप अच्छे से ब्लेंड भी होता है। लिप को मॉइस्चर करने के लिए मैं प्लम लिप बम यूज़ कर रही हूँ। मॉडल की आई, नोज, माउथ और नेक साइड पे डिसकलरेशन है, इसीलिए उसको हाइड करने के लिए मैं क्रायलॉन डर्मा D30 ऑरेंज करेक्टर अप्लाई कर रही हूँ। फिर वेट ब्यूटी ब्लेंडर से कलर करेक्टर को डैब डैब करके ब्लेंड कर रही हूँ। मैं मेकअप कैसे मिक्स करती हूँ ये आप सबको आज दिखाऊंगी। क्रायलॉन डर्मा पैलेट से DJ2 जो डार्क सेट की है और D64 जो मीडियम टू फेयर है, DJ2 और D64 सेम क्वांटिटी लेके पैक लिक्विड मेकअप ब्लेंडर 5 to 6 ड्रॉप डाल के स्पैचुला में मिक्स कर रही हूँ। मेकअप लगाने के बाद अगर आपको लगे कि डार्क दिख रहा है तो थोड़ा फेयर सेट मिक्स करना है। अगर लगेगा थोड़ा फेयर है तो डार्क सेट थोड़ा मिक्स करना पड़ेगा। ऐसे करके आप कोई भी सेट बना सकते हो। अभी मैं फेस पे, नेक पे और ईयर पे भी फाउंडेशन लगाऊंगी। वेट ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से डैब डैब करके ब्लेंड भी कर रही हूँ। ब्लेंड बहुत अच्छे से करना है, उससे मेकअप फ्लॉलेस होता है। फाउंडेशन लगाने के बाद क्लाइंट की हाथ फेस के पास रख के आप चेक भी कर सकते हो फेस और हैंड मैच कर रहा है कि नहीं। बेस को सेट करने के लिए मैं अर्बन डीके की सेटिंग स्प्रे यूज कर रही हूँ। इससे मेकअप और भी अच्छे से लॉक होके लॉन्ग लास्टिंग होंगी। फिर ब्यूटी ब्लेंडर से मैं अच्छे से सेट भी कर रही हूँ। फेस हाइलाइटिंग के लिए मैं डर्मा D4 अप्लाई कर रही हूँ। हाइलाइटिंग हमें कहाँ करना है? फोरहेड पे, जहाँ बिंदी लगाते हैं उस एरिया पे, नोज पे, लिप के ऊपर और चिन पे और आईज के नीचे में, और अच्छे से ब्लेंड भी कर रही हूँ। कॉन्टोरिंग के लिए मैं डर्मा DJ2 यूज कर रही हूँ। और बहुत अच्छे से ब्लेंड भी करूंगी।
ताकि कोई हार्श लाइन ना रहे। आज मैं लिक्विड ब्लश यूज़ कर रही हूँ, O2O का लिक्विड ब्लश यूज़ किया हूँ, जिसका सेड है 03। एक ब्रश की हेल्प से मैं ब्लश अप्लाई किया हूँ, ब्यूटी ब्लेंडर से भी आप ब्लेंड कर सकते हो। इसके बाद मैं पूरा मेकअप को पैक फिक्सर से लॉक कर रही हूँ। मेकअप को ग्लास फिनिश लुक देने के लिए मेकअप को पाउडर से लॉक करने से पहले मैं हाइलाइटर यूज कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं मेकअप को सेट करने के लिए RCMA ट्रांसलूसेंट पाउडर अप्लाई कर रही हूँ। फिर पाउडर ब्रश से ही एक्स्ट्रा पाउडर को क्लीन कर रही हूँ। आईब्रोज को ड्रॉ करने से पहले स्पूली ब्रश से आईब्रोज को कॉम कर लूँगी। आईब्रो ड्रॉ करने के लिए मैं पैक आईब्रो पोमेड यूज़ कर रही हूँ। मेरी मॉडल की आईब्रोज ठीक ठाक है, तो इसीलिए बहुत कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। मैं फेस मेकअप करने के बाद ही आई मेकअप करती हूँ, ऐसे मेकअप करने से टाइम ज़्यादा सेव होती है। आई मेकअप करने से पहले आई बेस करने के लिए D4 अप्लाई कर रही हूँ। इस कंसीलर से ही मैं आईब्रोज के नीचे शेप दे रही हूँ। फिर ब्यूटी ब्लेंडर से कंसीलर को ब्लेंड कर रही हूँ। कंसीलर को सेट करने के लिए ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज कर रही हूँ। आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले आईज के नीचे पाउडर लगा रही हूँ, ताकि आई शेडो लगाने के टाइम फॉल आउट होके मेकअप खराब ना हो। आज मैं डिलांसी ला कैटरीना आई शेडो पैलेट से आई मेकअप करने जा रही हूँ। पहले ये कलर लेके एक फ्लफी ब्रश की मदद से आईज पे अप्लाई किया हूँ। आउटर कॉर्नर से ब्लेंड करते करते इनर कॉर्नर तक ब्लेंड कर रही हूँ। अब ये डार्क कलर लेके एक टैप्ड ब्रश की मदद से आउटर कॉर्नर में लगा रही हूँ और क्रीज लाइन पे भी लगा रही हूँ। इसके बाद स्मॉल फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश से हार्श लाइन को ब्लेंड कर रही हूँ।
प्रोसेस दूसरी आग पे भी कर लूंगी। लाइन को और थोड़ा डार्क करने के लिए फिर से वही कलर लेके अप्लाई कर रही हूँ। क्रीज लाइन को डार्क करने से जब काट क्रीज करूंगी तब बहुत ही अच्छा दिखती है। क्रीज को कट करने के लिए मैं डर्मा D4 यूज कर रही हूँ। एक फ्लैट ब्रश से कंसीलर को इनर कॉर्नर से कट करके आईलिड के मिडिल तक कट कर रही हूँ। फिर ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। आईज के मिडिल पे ये जो लाइन पड़ा है वो मैं फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। फिर पाउडर से कंसीलर को लॉक कर रही हूँ। अब पैलेट से एक सिमर कलर लेके आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ। फिर से ये डार्क कलर लेके आउटर कॉर्नर को थोड़ा डार्क कर रही हूँ। इसके बाद स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से आईलिड के अंदर की तरफ स्मोकी कर रही हूँ। फॉरएवर 52 हाइलाइटर पैलेट से ब्रो बोन और आईज के इनर कॉर्नर पे हाइलाइट कर रही हूँ। अब मैं ये रेड कलर्स आईज के नीचे लगा रही हूँ एक पेंसिल ब्रश की मदद से। इसको भी ब्लेंड कर लूंगी एक स्मॉल फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से। आज मैं ब्लैक काजल नहीं लगा रही हूँ, फॉरएवर 52 का व्हाइट काजल अप्लाई कर रही हूँ। इससे आंख थोड़ा बड़ी दिखेगी। इनग्लॉट की जेल लाइनर यूज कर रही हूँ। आईज के इनर कॉर्नर से पतला लाइन ड्रॉ करके आउटर की तरफ मोटा किया हूँ। इनर कॉर्नर को भी शार्प कर रही हूँ। आप कोई भी 000 या 00 ब्रश से लाइनर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैं आई मैजिक का लैस यूज किया हूँ। लैस को और भी वॉल्यूम देने के लिए मैं फॉरएवर 52 का मस्कारा यूज कर रही हूँ। और लोअर लैश पे मैं ELF का मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। आईब्रोज को एक ही जगह सेट करने के लिए मैं पैक ट्रांसपेरेंट मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। लिप ड्रॉ करने के लिए एक एंगुलर ब्रश यूज किया हूँ। आज लिप को न्यूड ही रखूंगी। जो लिपस्टिक मैं यूज कर रही हूँ वो फॉरएवर 52 लिक्विड लिपस्टिक है जिसका शेड है FM709। लिप को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए मैं यहाँ पे हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। अब ब्रश से एक्स्ट्रा पाउडर क्लीन करके ब्लास्ट ऑन कर लूंगी। आई मैजिक ब्लास्ट पैलेट बहुत ही अच्छा और अफोर्डेबल पैलेट है।
हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। आज मैं 2 बार हाइलाइटर यूज़ किया हूँ ग्लास फिनिश मेकअप करने के लिए। ये लुक आप सब जरूर ट्राई करना और मुझे इंस्टाग्राम में टैग करना मत भूलना। मुझे भी देखनी है आप लोग कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लीज विजिट कीजिए। मेकअप फिनिश होने के बाद मैं पैक फिक्सर यूज किया हूँ। इससे मेकअप और भी लॉन्ग लास्टिंग, स्वेट प्रूफ और वाटर प्रूफ होगी।